Hey guys, welcome back to another reaction video of the Reaction Girl channel. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys, जैसे कि थंबनेल से आप सभी को पता चला कि करण औजला सर और दीप जैनू सर जी का न्यू सॉन्ग आ चुका था. बहुत दिन हो गए इसको, मतलब दो तीन दिन हो गए हैं. रेड लाइट, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे. मतलब गाना आने से पहले भी कमेंट आ चुके थे. सॉरी कि मैं ये वीडियो ला नहीं पाई, क्योंकि कुछ यार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वीडियोस आने में देरी हो जाती है. अब इंसान है हम तो हो जाती है प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी होती है जो कि बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि वीडियो तो भी हम कर नहीं सकते हैं. देखते हैं कि करण औजला सर जी ने कैसे लिरिक्स दिए हैं. रैप भी है शायद इसमें, गुरलेज अख्तर जी भी है और दीप जैनू जी ने इसमें गाना गाया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मेरे को वीडियो देखनी, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत दिनों से बहुत लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो के लिए. सो वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं कि क्या है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओ भाई पंजाबी सुनते हो, ताडे दिलां दे चप्पा पाउण दे लई बिहार रिकॉर्ड पेश करदे ने पंजाब दे बहुत ही हरमन प्यारे कलाकार दीप जंडू ते नाल उहनां दा साथ देणगे साडे दे मशहूर गबड़ू औजलाणी औजला करदे औजला. उटर बोलन खाराय उत्ते एरिए दे विच डैश कुड़े एक बारी दिल ला ले जटना ऐश करेगी ऐश कुड़े शहर कदे गेड़ा हमारी गल्ला नी मैं छतिया अगे अगे तू होएगी ते पिछे रेड पत्तियां हाई नी रेड पत्तियां अगे अगे अपा होवांगे ते पिछे रेड पत्तियां हाई नी लाल पत्तियां ਦਿਸਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਓ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬਿਗ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਜੇ ਵੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ AK-47 ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਰਡਨੀ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਂਟੀ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀਆਂ ਹਾਈ ਨੀ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀਆਂ ਹਾਈ ਨੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ गाने की बहुत ही अच्छी करी है. अगे अगे तू होएंगी पीछे रेड बत्तियां बहुत ही अमेजिंग गाना लगा. लिटरली पसंद आ गया मेरे को ये गाना यार. करण औजला सर जी का जो रैप था
है ना वो बहुत ही अच्छा था, मतलब मेरे को याद नहीं हुआ लेकिन जैसे समझा मैंने, उन्होंने कहा कि आपको समझ नहीं आई इसका मतलब लास्ट में जो उन्होंने बोला, बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को ये सॉन्ग। और वेट रहती है यार करण औजला सर जी के गानों की कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि अमेजिंग सिंगर है यार। और दीप जानू सर जी की आवाज़ की तो क्या ही कहने यार, मेरे को वो जो मैंने गाना सुना ना दीप जानू का फर्स्ट गाना था, मैंने वो सुना था पागल आमी पागल होए जावो, ऐसा था वो बंगाली में था राजस्थानी में था। मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आए सॉन्ग के लिए कि ये सॉन्ग जो है बंगाली है, ये जो है राजस्थानी ड्रेसअप है लड़की का, किसी ने कहा कि लड़की का नाम क्या है, लिटरली मेरे को लड़की का नाम नहीं पता है। सो मेरे को गाना पागल के बाद से दीप जानू सर की आवाज़ बहुत अच्छी लगी यार, बहुत अमेजिंग सिंगर है दीप जानू सर। मेरे को पता नहीं था सच्ची में कि वो गाना भी गाते हैं, मेरे को बस ऐसा लगता था कि वो सिर्फ म्यूज़िक देते हैं कंपोजिंग करते हैं। यार हिडन टैलेंट था मेरे लिए कि वो एक हिडन टैलेंट है, बाकी गाना बहुत अच्छा है रेड लाइट, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, रैप सबसे अच्छा लगा मेरे को और थीम भी बहुत अच्छा था, लास्ट में साइन वाला सीन जो था वो बहुत अमेजिंग था। और वैसे जो लेडी की आवाज़ में तो गुलज अख्तर जी ने बोला कि स्टार्टिंग में सब ऐसे ही बोलते हैं और बाद में पता चलता है, रियलिटी है ऐसा किसी किसी के साथ होता है कि मतलब स्टार्टिंग में बोलते क्या है बॉयज़ और बाद में होता क्या है वो तो भाई उन्हीं को ही पता होता है जो रिलेशनशिप में होता है, बाकी हम तो सुनते ही रहते हैं अपने फ्रेंड्स से वगैरह वगैरह से कि उनके साथ क्या हुआ, मतलब पहले रिलेशनशिप में जाओ उसके बाद पहले तो बोलते हैं बहुत प्यार करेंगे ये वो, उसके बाद आप सभी को पता ही है फिर धीरे धीरे प्यार ख़त्म होता जाता है और फिर लड़ाइयाँ और फिर झगड़े और फिर ब्रेकअप, मतलब आजकल यही चल रहा है। तो मतलब कुछ ही लोग होते हैं, मतलब रैप सुनकर तो मेरे को सच्ची में सही लगा कि अगर आप ऐसा समझती हैं तो उसका मतलब आपको समझ ही नहीं आई अभी भाई के बारे में। तो अमेजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को गाना, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो, कमेंट करके बताएंगे आपको कितना अच्छा लगा सॉन्ग, और जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते कमेंट्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियोस के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, FB पर भी आप मेरे को ऐड कर सकते हैं लेकिन FB में ज़्यादा यूज़ करती नहीं, वैसे तो इंस्टाग्राम भी कम ही यूज़ करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप मेरे को FB पर भी ऐड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।